नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम और मेघालय की यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तुइरियाल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करते हुए उन्होंने आइजोल में कहा कि आपको समस्याओं को लेकर दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से अधिकारी आपके पास आएंगे। साथ ही कहा कि तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चार्ज संभाल लिया। उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिटर्निंग अफसर मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं राहुल को अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देती हूं। आज मैं आखिरी बार कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर संबोधित कर रही हूं। मैं एक माँ के तौर पर राहुल की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी व्यक्तिगत हमले झेले हैं जिससे वे निडर और साहसी बने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक ताजपोशी हो गई है। ताजपोशी के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि एक बार आग लगती है तो उसे बुझाना मुश्किल होता है और भाजपा देश में आग लगा रही है, देश में हिंसा फैलाई जा रही है, भाजपा तोड़ती है और हम जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत अब शादी करने वाली युवतियों को 3,000 रुपए का मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। योजना के तहत शादी के लिए पात्र कन्या को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से होने जा रही है। योजना के मुताबिक कन्या को सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि नगद की बजाय लाभार्थी के खाते में सीधे जाएगी। इसके अलावा 10,000 रुपए में कन्या के लिए कपड़ा, चांदी की पायल, बिछिया व 7 बर्तन दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इन मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण के तहत मतदान हुए थे। निर्वाचन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मौजूद डाटा हटा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ पर छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट पर एक पुलिसकर्मी ने बंदूक तान दी। कांग्रेस नेता पर उन्हीं के सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने बंदूक तानी। फिलहाल कांग्रेस नेता पूरी तरह से सुरक्षित है। आरोपी कांस्टेबल का नाम रत्नेश पवार है। कोयला घोटाले के आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा कोड़ा पर 25 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एस गुप्ता को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। गुप्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के 3 तलाक पर विधेयक को मंजूरी से मुस्लिम संगठन सहमत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार दे दिया तो संसद में बिल लाकर इस पर कानून बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार को 3 तलाक पर कानून का मसौदा तैयार करने से पहले मुस्लिम समाज की राय भी लेनी चाहिए थी। गुजरात चुनाव पर एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि गुजरात में पाकिस्तान समर्थकों की हार हो रही है। सुशील ने राजद और कांग्रेस पर भी आरोप लगाए। इसके जवाब में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी को छोटे मोदी की संज्ञा दी और कांग्रेस शासन की याद दिलाते हुए कहा कि मुझे गलतफहमी थी कि छोटे मोदी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस बयान ने मुझे उनके प्रति अपनी धारणा को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बीआर बिहार विश्वविद्यालय का परिसर आज सुबह बम विस्फोट व गोलीबारी से थर्रा उठा। दर्जनों की संख्या में पहुंचे युवकों की भीड़ ने विश्वविद्यालय के PG3 हॉस्टल पर बम फेंके और उस पर फायरिंग की। घटना के बाद भारी तनाव है। घटना के पीछे सरस्वती पूजा की चंदा वसूली को लेकर उपजा विवाद बताया जा रहा है। राजस्थान में अब कलेक्टर की अनुमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जो कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे पहले 1 हफ्ते तक सरकारी नोटिस बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा और इस दौरान इस फैसले के खिलाफ लोग अपील भी कर सकेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कलेक्टर धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा। दिल्ली में सन कर देने वाला एक मामला सामने आया जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए करीब 300 किलोमीटर दूर जाकर हजारों फीट की ऊंचाई से शव को नीचे फेंक दिया। ये खौफनाक वारदात दिल्ली के रानीबाग इलाके के हर्ष विहार की है।
वित्तीय लेनदेन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगे। संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट पे एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा कर दिखाया। जडेजा ने T20 टूर्नामेंट के पहले दिन जामनगर की ओर से खेलते हुए अमरेली के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के उड़ाए। जडेजा द्वारा बनाए गए 69 गेंदों में 154 रनों के दम पर जामनगर ने अमरेली पर 121 रनों से जीत दर्ज की। बॉलीवुड से हॉलीवुड की ओर रुख करके दुनिया भर में पॉपुलर हुई प्रियंका चोपड़ा अपनी फीस को लेकर काफी चर्चित हो रही हैं। खबरों के अनुसार सीनियर अवार्ड में प्रियंका हिस्सा लेने इंडिया आ रही हैं। इस अवार्ड के लिए उन्होंने 1 मिनट के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है। बता दें कि खबर के मुताबिक जी सीने अवार्ड में वे 19 दिसंबर को हिस्सा लेने आएंगी। इसका TV पर प्रसारण नए साल के मौके पर अगले महीने दिखाया जाएगा। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतने ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।